हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो रिलेटेड है दोस्तों एक ऐसे टोकन और एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जो कि मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। ये है कि ट्रस्ट आप इस पर पूरा कर सकते हैं। इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, पहले ही एक टोकन मौजूद है, ये दूसरा टोकन है दोस्तों, लेकिन अपनी स्वैप अपनी एक्सचेंज के साथ ये टोकन लॉन्च हुआ है। 2021 में ये टोकन आया है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पर दूंगा। वीडियो दोस्तों इस हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप इस टोकन के बारे में दोस्तों अच्छे से जान लेंगे तो आप उसके बाद अपनी रिसर्च के बाद डिसीजन यहाँ पर ले सकेंगे कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। देखें, मोर देन 17,000 टोकन जो है वो क्रिप्टो स्पेस के अंदर मौजूद हैं। अब किस किस में पैसे लगाने चाहिए, यहाँ पर दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं और उन दो तरह के लोगों में दोस्तों आप कौन से हैं ये आप खुद डिसाइड यहाँ पर कीजिएगा। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि चाहते हैं कि भाई हम पैसा लगाएं और जल्दी से हमें प्रॉफिट मिले, ठीक है, वो मतलब मेंटेलिटी मेरी नज़र में बेटिंग वाली होती है, जॉब वाली होती है, ठीक। दूसरी मेंटेलिटी ये होती है कि यार ठीक है, बाकी दुनिया में जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से 20% 30% हमें प्रॉफिट मिलता है और वो एक साल दो साल के अंदर मिलता है। अगर अच्छी खासी रकम हम यहाँ पर लगाते हैं तो इट्स ओके, वेल ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल गया। अगर 30% मिलता है, 100 रुपये आपने लगाए दोस्तों, अगर 6 महीने में या साल में आपको 30% वहाँ से प्रॉफिट मिल जाता है तो अच्छा है, लेकिन यह कि पैसे जो आप लगाते हैं वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको इसी तरह का एक प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, ये दोस्तों ल्यूमेन स्वैप इसका नाम है, स्टेलर का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, आप देख लीजिएगा स्टेलर की ब्लॉकचेन पर दोस्तों ये है एक्चुअली। अब स्टेलर क्या है इस पर ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों, आई होप कि आपने वो वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लें। आप वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। आप देख सकते हैं दोस्तों क्रिप्टो स्पेस के अंदर ये 30th नंबर पर रुका हुआ टोकन है, जो कि मतलब 30th नंबर पर आ रहा है 17,000 कॉइन्स में से। इसकी प्राइस भी इस वक्त दोस्तों ये सेकंड टाइम हाइप बनाने के बाद इस वक्त करेक्शन मोड में है, लेकिन ये एक हाइप यहाँ पर बनी है उसके बाद ये दूसरी बनी, अब ऐसा ऐसा प्राइस, लेकिन अब ये दूसरी जब इसकी मतलब अब इसका अप ट्रेंड आएगा तो प्राइस और भी ऊपर जाएंगे। लेकिन ब्लॉकचेन अपनी है, प्रोजेक्ट एक स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, कहा यह जाता है कि जो स्ट्रांगेस्ट प्रोजेक्ट हैं इस वक्त क्रिप्टो स्पेस में उसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी है। ये इनकी वेबसाइट है दोस्तों, आपके सामने है, एक्चुअली पेमेंट मेथड पर ये काम करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेलर इज एन ओपन नेटवर्क फॉर स्टोरिंग एंड मूविंग मनी, तो ये आपने स्टोरिंग एंड मूविंग मनी ये देख लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डरलेस लिमिटलेस पावरफुल स्टेलर मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट सेंड एंड ट्रेड डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी, डॉलर, पैसोस, बिटकॉइन, बिटी, मच एनीथिंग। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ है कि ट्रांजेक्शन्स जो है उस पर ये इनकी ब्लॉकचेन या ये पूरा प्रोजेक्ट एक्चुअली फोकस करता है और काम करता है। बहुत सारी डीएप्स वगैरह यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लें पहले सबसे इसकी मार्केट कैप इस वक्त 73 लाख दोस्तों है, पूरा $1 करोड़ भी इस वक्त मतलब इसकी मार्केट कैप नहीं है। तो आप खुद अंदाजा करें कि कितना पोटेंशियल जो है वो पॉसिबली यहाँ पर हो सकता है। मैक्सिमम सप्लाई दोस्तों 1 बिलियन टोकन है, ओनली 1 बिलियन। प्रोजेक्ट किस तरह का है, यहाँ पर $1 बिलियन लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब किसी भी वक्त पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये एक स्वैप है, एक एक्सचेंज है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी, किस तरह आएगी, क्या कुछ हो सकता है वो आपको मैं बताता हूँ। सर्कुलेटिंग सप्लाई इस वक्त इसकी कम है, ये ऐसा ऐसा यहाँ पर इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे टीम अपने लॉकअप्स ख़त्म करेगी, टीम मार्केट में लेकर आएगी अपने टोकन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों तकरीबन इसकी जो लॉन्चिंग है वो हुई है 7-8 सेंट पर, ठीक। इस वक्त आपको ये मिल रहा है तकरीबन 2 से 3 सेंट के करीब। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसकी प्राइस जो है वो और भी डाउन आ सकती है, आप इसको वॉच लिस्ट पर रखें नंबर वन। दूसरा ये कि आप इसको यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर लें, इट्स ओके, मेंशन नॉट को, अगर आप यहाँ पर कुछ पैसे लगा देते तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। रिसर्च अपनी ज़रूर कर लीजिएगा एक बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अपनी ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये प्रोजेक्ट दोस्तों एक्चुअली है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीएम क्रिप्टो, ये एक आर्टिकल इसके बारे में लगा हुआ है और ये June 23, 2021 का ये एक्चुअली दोस्तों आर्टिकल है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि लुमेनस्वैप इज द एवोल्यूशन ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर मतलब पहले जो डिसेंट्रलाइज्ड एक एक्सचेंज आया हमारे सामने वो है यूनिस्वैप, उसके बाद पेनकेक स्वैप आया, उसके बाद दोस्तों ये लुमेनस्वैप है। अब इसकी खसूसियत क्या है, वो ये है दोस्तों कि ये आपको इंटरफेस एक तरह से दोस्तों जो
आपको सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर मिलता है, जिस तरह से आप चार्ट वगैरह देखते हैं बाइनेंस पर, क्वाइन बेस पर या हॉटबिट पर या किसी भी एक्सचेंज पर, उसी तरह का आपको इंटरफेस यहां पर मिल जाता है। तो ये एक स्वैप है दोस्तों, जहां पर आपको मतलब ये OBM फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझ लें आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज एन ऑर्डर बुक बेस्ड मार्केट प्लेस दैट अलाउज यू टू सिलेक्ट पेयर्स एंड ट्रेड एनी एसेट ऑन स्टेलर। तो आप स्टेलर की ब्लॉकचेन पर दोस्तों यहां पर ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल ऑर्डर बुक के हिसाब से, जैसे आप वहां पर जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वहां पर करते हैं। रिवार्ड में आप यहां पर देखते हैं, इन दिस एप यू कैन ऑब्जर्व द स्टेटस ऑफ द रिवार्ड्स यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द LSP रिवार्ड प्रोग्राम विद इट्स डिटेल। इसकी मैं पूरी आपको डिटेल देता हूं। कम से कम दोस्तों आपने 10,000 ये टोकन जो है वो आपने अपने पास होल्ड करके रखने हैं, आपको रिवार्ड जो है वो बिल्कुल आराम से मिलता रहेगा। ये एक तरह कि दोस्तों स्टेकिंग है जिसमें आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ अपने वॉलेट में ये टोकन रखने हैं और यहां पर इसके साथ कनेक्ट करके रखने हैं। उसके बाद यहां पर दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल न्यू इन्होंने रिलीज किया है सिस्टम एक नया। दिस क्लाइंट अलाउज क्यूरेटेड प्रोजेक्ट्स इन द स्टेलर इकोसिस्टम टू रेज कैपिटल फ्रॉम देयर कम्युनिटीज। आपको पता है जैसे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो कम्युनिटी से वो कुछ कैपिटल या पैसे जो है वो कलेक्ट करते हैं, वहाँ से वो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक ऐसा दोस्तों प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं जो कि स्टेलर की ब्लॉकचेन पर बने हुए कुछ प्रोजेक्ट जो भी होंगे वो यहाँ से इस तरह मतलब पैसे जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी से। लेकिन दोस्तों वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। डिफरेंट ब्लॉकचेन्स दोस्तों स्वैप्स अपने लॉन्च कर रही हैं और वो इस तरह से हो रहा है कि इथेरियम की जो फीस का प्रॉब्लम है दुनिया उसको बड़े हद तक फील करती है या महसूस करती है या भागती भी है, ठीक है। यहाँ तक कि दोस्तों $100 से $150 तक की आपको एक ट्रांजेक्शन के लिए फीस पड़ जाए, तो मतलब इतनी आप ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहे जितनी आप फीस भर रहे हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है मेरे जैसे गरीब लोग दोस्तों $100-$150 की कोई कॉइन जो है वो बाय कर रहे हैं और $100-$150 की अगर वो हमें फीस भरनी पड़ जाए तो हम भागेंगे ऐसी चीजों से। यहां पर भी बिल्कुल वही सीन है, इथेरियम से लोग भागते हैं, इसलिए डिफरेंट जो ब्लॉकचेन्स है वो अपने स्वैप्स लॉन्च कर रही है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक स्क्रीनशॉट है इसी आर्टिकल के अंदर जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल वही इंटरफेस जो कि आपको एक्सचेंजेस पर मिलता है वो यहां पर आपके सामने है। स्वैप वाला ये आपके सामने है, बिल्कुल आप स्वैप भी कर सकते हैं एक टोकन को दूसरे के बदले में, और वो मतलब ये जैसे स्वैप का जो इंटरफेस होता है ये भी आपके सामने है। अब बारी आती है दोस्तों आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो कितनी करें और कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों तो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी करें ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितने का रिस्क ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में हमेशा मैं आपको समझाता हूं ये बात कि पैसे वो लगाएं जिनका आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके जो पैसे हैं क्रिप्टो में लगाए हुए वो नेक्स्ट 5 to 10 years के लिए लॉक भी हो सकते हैं। लॉक इस तरह के हो सकता है कॉइन की प्राइस इतनी गिर जाए कि आप जो है वो उसको सेल आउट कर ही ना सकें या करने को दिल ही ना करें, ठीक है। पहली बात तो ये, कुछ कॉइन्स जो है वो आपके साथ स्कैम भी कर सकते हैं, ऐसा भी यहां पर होता है, हमारे साथ हुआ है, कॉइन्स डेड भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इस वजह से मैं कहता हूं कि पैसे वही लगाएं जिनका आप रिस्क ले सकते हैं। अब आप देखें कि आप कितने का रिस्क ले सकते हैं, पैसे उतने ही लगाएं। लेकिन दोस्तों क्राइटेरियाज को देखा जाए, आप अगर एक पैसिव इनकम यहां से करना चाहते हैं तो 10,000 कम से कम आपने टोकन जो है वो यहां से बाय करने होंगे, और 10,000 टोकन जो है दोस्तों वो आपको तकरीबन कोई $300-$400 में मिल जाते हैं, ठीक, और वो आप यहां पर वॉलेट में कनेक्ट करके यहां पर आप रख देंगे तो रिवार्ड के तौर पर आपको मिलते रहेंगे टोकन। लेकिन एक बात और भी बता दूं कि दोस्तों ये नेक्स्ट 6 years के लिए है, और मैं समझता हूं कि यहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो आप यही है कि $300-$400 यहां पर लगाएं और अगले 6 साल के लिए भूल जाएं, क्योंकि मैं एक प्रेडिक्शन आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। तो बहुत स्लो है यहां पर, इस वक्त आपको ये मिल रहा है 2-3 सेंट का फॉर एग्जांपल, तो 2025 के लिए प्रेडिक्शन ये है कि भाई इसकी प्राइस जो है वो 12 सेंट तक जा सकती है। अब जरूरी नहीं है कि 12 सेंट तक जाए, इससे ऊपर भी जा सकती है। मैं तो समझता हूं कि अगर बुलिश ट्रेंड मार्केट ले लेती है, और दोस्तों अभी इस वक्त जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के साथ प्रॉब्लम चल रही है अमेरिका को लेकर स्पेशली, वो किसी भी वक्त अगर हट जाती है तो ये जो जितने भी स्वैप्स हैं इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अब थोड़ा आप यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखें कि केक ने अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया हुआ है दोस्तों वो राउंड अबाउट $43-$45 तक बनाया हुआ है, ठीक है। इस वक्त वो आपको $5 या $6 में मिल रहा है, तो इसकी प्राइस जो है वो $10-$15-$20 तक जाना तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। और यूनिस्वैप भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर इसकी बात यहाँ पर की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं लुमेनस्वैप की जो प्राइस है दोस्तों वो भी राउंड अबाउट दोस्तों 38 सेंट तक ऑलरेडी मतलब अपना ऑल टाइम हाई बना चुकी है। अब
ज़रूरी, मैं यहाँ पर अगेन यही कहूँगा, ये नहीं है कि नेक्स्ट वन ईयर में या छः महीने में अपना ऑल टाइम हाई जो है वो अगेन ब्रेक कर दें और नया बना दें, इसकी प्राइस जो है $1 तक चली जाए। लेकिन क्या ये खारिज इम्कान है कि भाई नहीं हो सकता इसकी प्राइस $1 तक नहीं जा सकती? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भाई जा सकती है, पॉसिबल है। क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो टोकन की नंबर वन ये है कि जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ $1 बिलियन है। तो $1 बिलियन अगर यहाँ पर लग जाए, जब इसकी सप्लाई जो है वो मैक्सिमम सर्कुलेशन में आ जाए, तब इसमें $1 बिलियन अगर लग जाए तो इसकी प्राइस $1 हो जाएगी। लेकिन सप्लाई जो है दोस्तों इसकी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर आनी है, उस हिसाब से अगर दोस्तों यहाँ पर 10-15-20 करोड़ भी आ जाते हैं पैसे, तो भी इसकी प्राइस आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती है। और सप्लाई की कन्फर्मेशन दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं, 1 बिलियन LSP एसेट फिक्स्ड हैव बीन मिंटेड एट द जेनेसिस एंड विल बी वेस्टेड ओवर द कोर्स ऑफ 10 ईयर्स। तो ये जो 1 बिलियन टोकन है दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट में आएंगे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये जो प्रोजेक्ट है कितनी हाइप अपनी बना सकता है, कितना एडवांस अब खुद को कर सकता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन 10 ईयर्स बहुत होते हैं और 10 ईयर्स में मेरा ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जो कि ऑलरेडी मेरी नज़र में मैच्योर है क्योंकि स्टेलर का प्रोजेक्ट है, लेकिन नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा गेन मिलने के चांसेस हैं। मैं तो मतलब मेरे ऑलरेडी 205,000 टोकन ये बाय करके अपने पास रखे हुए थे और मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, मैंने इसको बाय किया था 4 सेंट पर, इस वक्त ये 3 सेंट के करीब चल रहा है इसका प्राइस। तो मैं एक्चुअली 220,000-230,000 टोकन और भी बाय करने का सोच रहा हूँ ताकि कम से कम अगर इसकी प्राइस दोस्तों एक चांस लेकर दोस्तों $1 तक आ जाती है तो यहां से मुझे $40,000-50,000 जो है वो मिल जाए ताकि मैं एक अच्छा प्रॉफिट बना सकूं। वैसे अगर इस प्रिडिक्शन की बात की जाए तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इनकी प्रिडिक्शन ये है कि 2030-31 तक जाकर इसकी प्राइस जो है वो $1 स्टेबिलिटी में 1 से 1 से $1.5 तक जा सकती है। तो 2022 चल रहा है, अगर मैं यहां पर एक अच्छा पैसा जो है वो $1,000-1,500 मेरी नजर में, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, $1,000-1,500 यहां पर लगाता हूं और फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स छोड़ देता हूं, तो मतलब एक अच्छा जो है वो मुझे यहाँ से गेन मिल सकता है और वो ऐसा गेन होगा जिसमें मुझे कोई डर नहीं होगा कि ये जो मेरे लगाए हुए पैसे हैं ये कहीं भाग जाएंगे। तो ये मेन चीज़ है, मैंने जैसे आपको समझाया कि आपके लगाए हुए पैसों का आपको डर नहीं होना चाहिए कि भाई ये ही चले जाएंगे, यहाँ पर कम से कम इस चीज़ की कन्फर्मेशन है। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।